नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। सीधे आपको लेकर चलते हैं, इस वक्त सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। लोकसभा राज्यसभा की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन रविवार 30 जुलाई 2023 को हुआ था। शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त आगरा की यात्रा भी करेंगे। उनका शुक्रवार दिनांक 4 अगस्त 2023 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मलावी गणराज्य की संसद, वहाँ की सरकार और वहाँ की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, सुनील कुमार मंडल। ऑनरेबल मेंबर नहीं बोलेगा ना। क्वेश्चन तो ये राज्यसभा लोकसभा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा में अभी रिपब्लिक ऑफ मलावी के जो प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा हुआ था, उनका स्वागत जब तक चला तब तक सब कुछ शांतिपूर्ण नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, कामकाज के लिए फौरन विपक्ष की तरफ से ये हंगामा जो सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो सांसद निशिकांत दुबे से कहा जा रहा है, सदस्य से अपनी बात रखने के लिए। मैं आपके बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, अपनी बात रख रहे हैं और वहां दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों का हंगामा सुनाई पड़ रहा है। शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों बाद जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो समस्या है, जो 374 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके पीछे जो दो रीजन है सर, वो दो रीजन ये है कि राज्य का जो बोर्ड है वो अलग है और CBSE बोर्ड अलग है। जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो CBSE या ICSE बोर्ड के लोग होते हैं, और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में पॉपअप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है लेकिन शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा में आज भी जोरदार हंगामा, प्रधानमंत्री सदन में आओ, ये नारे हैं जो इस वक्त लोकसभा में गूंजते सुनाई पड़ रहे हैं। विपक्षी सांसद अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा, प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दें। और इस सबके बीच विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसको स्वीकार कर लिया गया है, उस पर चर्चा की मांग फौरन हो, ये मांग भी विपक्ष की तरफ से लगातार दोहराई जा रही है। विपक्ष के इस हंगामे के बीच सदन चलाने की सरकार की तरफ से कोशिश भी आप देख रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर सवाल जो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से रखा गया, और अब उसी पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय जवाब भी दे रहे हैं। तो सदन चलाने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, और विपक्ष की तरफ से वही जोरदार हंगामा, अपनी मांगों को नारों की शक्ल में विपक्ष दोहराता हुआ सुनाई पड़ रहा है सदन में। ग्रहण करता हूं, मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।